नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिलोनी और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो ब्लॉगिंग हम करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सेटअप की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारे गियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अच्छे वाली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से हमें यूज़ करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया। उसके बाद मैंने 3 अलग अलग सेटअप तैयार किए हैं गियर्स के, कि कौन कौन सा गियर्स हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और अगर हमें अपग्रेड करना है तो कौन कौन सा कहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए। तो उसके लिए अभी तक चलो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्लॉगिंग सेटअप जो मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहला तो हमारा जो चीपेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप है वो है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, उसके अंदर हमने कैमरा जो है वो फ़ोन का ही यूज़ किया है। फ़ोन का हम कैमरा यूज़ करेंगे उसके अंदर, क्योंकि आजकल के जो कैमराज है फ़ोन के वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और 10,000 रुपये की कीमत तक कोई भी अच्छा आपका जो मोबाइल है आप यूज़ कर रहे हो उससे आप काफ़ी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो। उसके बाद हम माइक्रोफोन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे चीपेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप के अंदर, उसके अंदर हम मोबाइल का ही वो कैम माइक यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपके फ़ोन के साथ जो ईयरफोन आते हैं या अगर नहीं आते तो अलग से, अगर उसका प्राइस देखो तो आप 500 रुपये मैंने दिखाया, क्योंकि मोस्टली जो हमारे 500 रुपये तक आ जाते हैं। और उसके साथ एक आपका ट्राईपोड अगर आपको रख के वीडियो शूट करनी है या अलग अलग टाइप से वीडियो शूट करनी, तो एक आप ट्राईपोड खरीद लीजिए और 300-400 रुपये में काफ़ी अच्छा गोरिल्ला ट्राईपोड आ जाता है। उसके बाद हमारे एडिटिंग के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं उसमें हमारा पहला फिल्मोरा, फिर दूसरा है काइन मास्टर और तीसरा है पावर डायरेक्टर। तो अगर आप इन तीनों को प्ले स्टोर से अगर परचेज करोगे तो जो इनका पेड वर्जन है वो आपको पैसे पे करने के यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके लिए ऐसी मार्केट ऐप डाउनलोड करते हो और ऐसी मार्केट ऐप के थ्रू अगर आप इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो वहाँ से ही आपको इनके पेड वर्जन फ्री में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर जो इसका पूरा टोटल कॉस्ट है वो हमने कॉस्ट लगाई है इसकी, अब आप नीचे देख रहे हो टोटल इसका 800 कैसे आ गया। तो मैंने 800 इसका टोटल इसलिए किया कि अगर जो हमारा कैमरा है वो 10,000 रुपये का जो फ़ोन है, अगर हमने अपना खुद का जो फ़ोन तो और किसी के पास होता है अलग से तो उसके लिए हम पैसे पे करते नहीं है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ये सेटअप सिर्फ 400 रुपये ईयरफोन के वो भी अगर आप लोगे तो, और ट्राईपोड के 400, तो टोटल 800 रुपये मैंने इसकी कॉस्ट दिखाई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने बेस्ट, जो कि एक बिल्कुल बेस्ट वाला ब्लॉगिंग सेटअप होगा हमारा जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो वो है हमारा उसके अंदर बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप के अंदर स्मॉल कैमरा। हम दो कैमरा यूज़ करेंगे, पहला जो स्मॉल कैमरा उसके लिए हम कैनन G7X Mark II जिसकी कीमत 40,000 के समथिंग है वो यूज़ करेंगे। उसके साथ एक बड़ा कैमरा उसके लिए हम कैनन 80D यूज़ करेंगे जिसकी कॉस्ट 74,000 अभी अमेजोन पे दिखा रही है। इन सभी के मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इन चीज़ों को देख सकते हो कि इनका करंट में प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद हम माइक्रोफोन जो है रोड का यूज़ करेंगे, उसका कीमत 6,500 के समथिंग है। उसके बाद ट्राईपोड जो है, अगर हमारा कैमरा काफ़ी हैवी है और कॉस्टली है तो ट्राईपोड भी अच्छा होना चाहिए, तो जो भी का जो गोरिल्ला ट्राईपोड है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। उसका प्राइस 12,000 से 25-30,000 के बीच में रहता है मोस्टली, आप जो भी अच्छा लगेगा आप वो अपना परचेज कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो गिम्बल है वो हम कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हो, गिम्बल आप मैंने एक एवरेज प्राइस रखा है ये 12,000 रुपये तक का, जो कोई भी अगर आप गिम्बल यूज़ करते हो 10 से 15,000 रुपये के बीच का तो वो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद हमारे जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके अंदर हमारा जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो मैंने फाइनल कट प्रो रखा है, जो कि मैकबुक एप्पल के अंदर आता है, तो वो आप अगर परचेज करते हो तो उसकी कॉस्ट आपकी 12 से 15,000 के समथिंग जो अभी करंट में चल रही है वो रहेगी। और उसके साथ अगर आप ये सारी चीज़ें कैरी कर रहे हो तो आपको उसके साथ एक बैग भी बहुत अच्छे वाला बैग चाहिए, जिससे कि आपकी ये चीज़ें हैं वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो ये वाला बैग मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। उसके बाद फिर हमने जो एडिटिंग के लिए जो सारी चीज़ें हम बनाएंगे वीडियो वो एडिट भी तो करनी है, उसके लिए मैंने एक मैकबुक प्रो रखी है एडिटिंग के लिए, तो इसकी कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है। और एक हमने इसके अंदर ड्रोन रखा है ताकि हम ऊपर से एयर वाले शॉट ले सकें, जिससे कि आपका जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारा टोटल है, इसकी टोटल कॉस्ट हम अगर ऊपर से स्मॉल कैमरा, बिग कैमरा, माइक, हैंडल सब कुछ अगर देखें, बैटरी वगैरह अगर सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमारे 3,77,500 रुपीज़ बन रहा है। तो ये आपका टोटल कंप्लीट सेटअप है अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं।
उसके बाद आता है हमारा एक डिसेंट और गुड जो एवरेज है बजट में, जो हमारा ब्लॉगिंग सेटअप अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सिंगल कैमरा रखेंगे, ये G7 Max Mark II हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इससे वीडियो भी काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद हमारा माइक्रोफोन में, तो जो हमारा माइक है उसके लिए मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूँगा क्योंकि जो हमारी वॉइस क्लियरिटी है वही हमारे ब्लॉग की सबसे मेन चीज़ होती है, तो मैं वॉइस क्लियरिटी पे ध्यान दूंगा। तो उसके लिए मैं अपना रोड का माइक यूज़ करूँगा जो कि 6,500 के समथिंग आ रहा है। तो उसके बाद हमारा बैग है, बैग मैंने इसके अंदर कोई भी वाटर प्रूफ आप बैग यूज़ कर सकते हो। 2,000 अगर आप ऑफलाइन लेने जाओ तो 2,000 रुपये तक का आपको कोई भी बैग अच्छे से और सस्ता काफ़ी अच्छा बैग मिल सकता है। उसके बाद आता है हमारा ट्राईपोड, तो ट्राईपोड मैंने इसके अंदर, ये हमारा जो गोरिल्ला ट्राईपोड है 800 रुपीज़ तक का ये आ जाएगा। इसके अंदर आप अपना DSLR आसानी से माउंट कर सकते हो और ये काफ़ी सही रहेगा, ना ही आपको ज़्यादा दिक्कत देगा, तो आप ये वाला ट्राईपोड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तो अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखें तो हमारी ये टोटल कॉस्ट हमारी 50,000 से भी कम में आ रही है, अगर आप इतना पे कर सकते हो तो। अगर आप इतना पे कर सकते हो तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप एक बेस्ट वाला बहुत ही अच्छा एवरेज प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छे व्लॉग शूट कर सकते हो, हर तरह के सिनेमेटिक शॉट वगैरह सब कुछ ले सकते हो आप इन सब चीज़ों से। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप लेना है या फिर दूसरे व्लॉगिंग सेटअप हैं वो लेने हैं, वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप तीनों में से कौन सा यूज़ करना चाहते हो। और अगर उसके बाद भी आपको कोई सुझाव है या आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको बेस्ट सजेशंस दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे सुझाव दे सकूँ। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी चीज़ के ऊपर तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।